हाय गाइस, तो मैं बनाने वाली हूँ एंजल विंग्स, वो भी इस फोम से जो कि मैंने लिए है 12 मीटर। और मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई ये सारी एक्सेसरीज़ ढूंढने में जो इसमें लगने वाली हैं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा छोटे टाउन में रहती हूँ जहाँ ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँगी कि आपको क्या ख़रीदना चाहिए इसे बनाने के लिए, सबसे अच्छी चीज़ है। तो देखते हैं कैसा टर्नआउट, कैसा रिज़ल्ट आता है, जो चीज़ें मिली हैं उसी से करके देखते हैं कि कैसा रिज़ल्ट आता है। फिर आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। इसे बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं वो। तो वायर कटर की ज़रूरत पड़ने वाली है हमें, एल्युमिनियम वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है कम से कम 5 मीटर, और 3 मीटर रिबन जो कि सैटिन फैब्रिक में है, ग्लू गन और बहुत सारे स्टिक्स और पेपर टेप, लेकिन इसको डक टेप भी कहते हैं, सीज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है। और सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, हमें फ़ोम की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि गद्दे वगैरह में यूज़ की जाती है और पैकेजिंग में भी यूज़ की जाती है, लेकिन जो पैकेजिंग वाली वो काफ़ी पतली होती है, तो हम उससे थोड़ा सा मोटा फोम लेंगे, ठीक है। हमें बेस काट लेना है 120 सेंटीमीटर हाइट वाला, और विड्थ होगी 53 सेंटीमीटर। तो हमें 2 बेस काटने हैं एक साथ भी काट सकते हैं, अलग अलग भी काट सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से आप उसको शेप दे सकते हैं कि आपको जैसी विंग्स की शेप चाहिए आप उस हिसाब से विंग्स के बेस कट कर सकते हैं। मैंने कट कर लिया है, दोनों ही कट कर लिए हैं मैंने, इस टाइप से आपको कट करना है। फिर उसके बाद हम जो एल्युमिनियम वायर ली है उसको अरेंज करेंगे, उसका शेप देंगे विंग्स का, जैसे मैंने किया है। आप सेम वैसे भी कर सकते हो जैसे मैंने किया है। इस पर हम डक्ट टेप यूज़ करेंगे जो कि विजिबल ना रहे, दिखे ना, इसलिए हम वाइट कलर की ये पेपर टेप इस पर लगा देंगे सब में। और फिर इसके ऊपर मैंने टेप यूज़ किया है जो कि इधर उधर ना भागे, आराम से फिट हो जाए, जैसे कि मैंने इसमें आपको दिखाया है करके। फिर इसके ऊपर जो हमने एक बेस बनाया था एक्स्ट्रा, उसे रख कर ग्लू गन से चिपका देंगे, जैसे कि मैं इस वीडियो में दिखा रही हूँ आपको, सेम वैसे ही चिपका देना है दूसरे बेस को इस पर। फिर उसके बाद आपको रिबन लगा देना है, आपको रिबन इस हिसाब से लगाना है कि जो तार है वो बीच में आए, और आपको 20 सेंटीमीटर लेंथ और 7 सेंटीमीटर विड्थ के 70 पीस काटने हैं, 50 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर विड्थ के 160 पीस काटने हैं, और 40 सेंटीमीटर लेंथ और 10 सेंटीमीटर विड्थ के 160 पीस काटने हैं। ये बहुत ज़्यादा वो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, अगर इसको काटने बैठे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, और बहुत ज़्यादा बोरिंग काम है इसको काटना। बट मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे काटे हैं, आप कोई भी शेप दे सकते हो। आपको 3 शेप में ये काटनी है, और 3 ही तरीके के शेप देने हैं, तो जैसे मैं काट रही हूँ आप वैसे भी काट सकते हो, और अपने तरीके से आप उसको शेप दे सकते हो। ये बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें, बट हाँ जब ये बन जाएगा ना तो आप बोलोगे कि हाँ ये वर्थ इट है। इतने सारे मैंने बना बना के थक गई थी ना, जिसका कोई जवाब नहीं। फिर आपको एक साथ ही लेफ्ट और राइट को लेते हुए चलना है, जिससे कि कंफर्म रहे कि आप कौन सी साइज़ का पीस लगा रहे हो, दोनों साइड एक जैसा ही होना चाहिए। विंग्स के नीचे से आपको 50 सेंटीमीटर लगा के स्टार्ट करना है, विंग्स के मिड में आप 40 सेंटीमीटर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, और जब थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो आपको 20 सेंटीमीटर वाले पंख लगाने हैं, और जिस टाइप से मैंने शेप दिए हो ऊपर, आपको उस टाइप से 20 सेंटीमीटर वाले लगाने हैं। तो आप समझ गए होंगे आई होप, और बहुत ही प्यारा मेरा विंग्स बना। और आप भी मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये मेरा विंग्स अच्छा लगा, ट्यूटोरियल अच्छा लगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे सीधे कमेंट कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो।